हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संजय साहू आपके अपने चैनल स्टार सिटी अनूपपुर में आपका स्वागत करता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है। जितने भी लिस्ट जारी की गई हैं उसके बारे में आज हम देख लेंगे और आपको जिस कोर्स के बारे में नहीं जारी की गई होगी उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ दिन बाद वो भी जारी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और हमारे हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आइए वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद हमको सीधे एडमिशन सेक्शन पे जाना होता है क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है सीधे एडमिशन से रिलेटेड है। 17 नवंबर को पीजी के लिए और यूजी के लिए दोनों के लिए लिस्ट जारी की गई है एक साथ। इसमें कुछ लिस्ट अभी नहीं है तो उसके बारे में आप देख लीजिए और अपने हिसाब से यदि जिनको लगता है कि हमारा लिस्ट नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, लिस्ट कुछ दिन बाद उसका भी जारी कर दिया जाएगा। तो एमए एआईएचसी हो गया, एमए पॉलिटिकल साइंस हो गया जो आरसीएम के लिए है, ट्राइबल आर्ट हो गया, एमए एमकॉम हो गया, एमफार्म हो गया फार्मास्यूटिकल्स एंड एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी स्टैटिक्स, तो सारे जो हैं एमएसडब्ल्यू हो गए, जितने भी हैं ये पीजी वाले हैं, एमएससी टूरिज्म जितने भी हैं आप यहाँ से देख लीजिए। और जिनका भी नहीं आया है तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, देखते हैं उसके बारे में फिर। और ये जो है ये एमए का एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ, तो लगभग लगभग आ गए हैं, कुछ चीज़ रह गए हैं। ये बीएससी सॉरी यूजी के लिए है जिसमें बी फार्मा का लेटरल एंट्री भी है, बीबीए भी है, बीजेएमसी, बीवॉक, टूरिज्म, बी फार्मा है, बी फार्मा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बीसीए, बीएससी मैथ ग्रुप, बीवॉक, तो जितने भी हैं शायद कुछ आ गए हैं और कुछ अभी रह गए हैं, तो उनके बारे में भी जारी कर दिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट से कुछ काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा इसलिए नहीं जारी किया गया होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए और जिसका भी जिस कोर्स का भी लिस्ट नहीं आया है उसके बारे में कमेंट कीजिए, तो इससे हमको भी पता चल पाए कि कौन कौन सा कोर्स अभी रह गया है। तो यहाँ पास हम ये देखेंगे अब कि जो लिस्ट है, एक लिस्ट को देखते हैं खोल के हम, जैसे डी फार्मा के लिस्ट को खोल के देखते हैं इसमें क्या आया है। तो लगभग ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद ओपन होगा और ये हमारा लिस्ट ओपन हो रहा है। देखिए जो डी फार्मा का लिस्ट आया है वो पिछले जो लिस्ट है उस लिस्ट के बाद जितने भी एडमिशन खाली हो गए थे, जितने भी सीट खाली बच गए थे उस पर जो है सभी लिस्ट को जारी की गई है। और जो डी फार्मा का लिस्ट है वो आया है इसमें, देखिए सबसे पहले तो 22 नवंबर 2020 से पहले आपको क्या करना है, एडमिशन करवाना है। तो यूआर के लिए इसमें 11 लोगों का नाम आया है जिसमें 73% कट ऑफ गया है और ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट नहीं है क्योंकि सभी एडमिशन कंप्लीट हो गए होंगे। ओबीसी के लिए 6 लोगों का नाम आया है, इसमें 68.6% कटअप गया है। अब आप अपना अनुमान लगाते जाइए इस कटअप के अनुसार। एससी के लिए 2 लोगों का नाम आया है, इसमें 59% पे ही दोनों का है। देन जो एसटी के लिए है केवल 1 लोग हैं। तो इतना सीट जो है खाली बच गया था जिसके लिए लिस्ट जारी किया गया है। अब जिनका नाम आया है उनको क्या करना है, सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, 22 नवंबर 2020 से पहले जो है फीस जमा करके एडमिशन लेना है किसी भी हालत में। और यदि आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपका एडमिशन इसके बाद नहीं हो पाएगा। जिनका नाम नहीं आया है अब वो क्या करें, उसके लिए हम थोड़ा सा रिसर्च देखते हैं जो हमने खुद किया है। ध्यान से देखिए कि हमने क्या बताना चाहते हैं हम यहाँ। तो हम बी फार्मा का लिस्ट को ओपन करते हैं और जो बी फार्मा है वो इस यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप का कंपटीशन वाला कोर्स है और बी फार्मा के साथ बीएड, क्योंकि इसमें लगभग 1500 से 1600 लोगों ने अप्लाई किया था। इसमें से 55 या 60 लोगों की पहले लिस्ट जारी की गई थी, उसमें से अब जो बचे हैं इसमें से भी जारी की गई है। तो अब यूआर की जो है 84.6% कटअप, ईडब्ल्यूएस का 79.5 कटअप, ओबीसी का 81.4% कटअप गया है और एससी का 78.6% और एसटी का 78.2%। तो इतना जो लोगों का नाम आ गया है इस बार इसलिए क्योंकि ज़्यादा लोग एडमिशन नहीं ले पाए होंगे। विश्लेषण देखते हैं। फर्स्ट लिस्ट जो जारी की गई थी बी फार्मा का, उसमें जो कटअप गया था देखिए यूआर का 85 था,
और सेकंड लिस्ट में देखिए यूआर का 84.6, यानी कि केवल कुछ पॉइंट का पॉइंट में कट ऑफ नीचे आया है। ओबीसी का देखिए इसमें 81 है, ओबीसी का 81.4 है, एंड एससी का जो है वो 80 है और इसमें एससी का 78.26, मतलब लगभग 1.5 पॉइंट जो है परसेंट कम हुआ है, और एसटी का 79 पॉइंट है और एसटी का इसमें 78.2 है। ईडब्ल्यूएस का इसमें 80 है फर्स्ट में, और सेकंड में ईडब्ल्यूएस का 79.5 है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 2% ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ नीचे आया है, या 1.5% ही मैं बोलूँगा। तो अब जिनका भी 5% या 6% इससे नीचे है तो उनको भूल जाना चाहिए कि आप उनको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि अगर सीएलसी राउंड में भी होता है तो 3-4% से ज़्यादा कट ऑफ नीचे अब नहीं गिरेगा। तो 6, 5, 6 के ऊपर जितने भी नीचे हैं उनको आप भूल जाना।